एक कवि सम्मेलन में कवि ने लोगों से कहा, एक कवि सम्मेलन में कवि ने लोगों से कहा, आपकी अनुमति से जुल्म ढाने जाता हूँ। देखिए भैया, अब तो मैं जुल्म ढाने जा रही हूँ, इसके लिए आपकी अनुमति है क्योंकि आप सब इकट्ठा हुए एक कवि सम्मेलन में कवि ने लोगों से कहा, आपकी अनुमति से जुल्म ढाने जाता हूँ और मेरी दो चार कविता मैं आपको सुनाता हूँ मेरी दो चार कविता मैं आपको सुनाता हूँ। लोगों में से एक सज्जन उठकर बोले थे, लोगों में से एक सज्जन उठकर बोले थे, दो चार क्यों भैया आप आठ दस सुनाइए दो चार क्यों भैया आप आठ दस सुनाइए, इतने बकरे मिले हैं तो काट दो चार क्यों भैया आप आठ दस सुनाइए, इतने बकरे मिले हैं तो काट कर खाइए। वैसे तो कवि और कसाई में अंतर नहीं, वैसे तो कसाई और कवि में अंतर नहीं। उसने किया ये सब, उसने किया, लोगों ने किया कि कसाई और कवि में कोई अंतर नहीं होता, तो आप मुझे समझना मुझे कसाई वैसे तो कसाई और कवि में अंतर नहीं, वैसे तो कसाई और कवि में अंतर नहीं, एक भेजा काटता है एक भेजा खाता है एक भेजा काटता है एक भेजा खाता है। अब इतना सब होने के बाद भी वो कवि क्या बोलता है, मैं तो कवि हूँ जी मेरी, मैं तो अपनी कविता पर मर मिट जाता हूँ, मैं तो अपने कविता कविता से बहुत प्यार करता हूँ, एक एक मेरा ये बच्चा है बहुत प्यार करती हूँ, और कोई भी कविता मुझे बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती क्योंकि मैं कवि हूँ। मैं तो अपनी कविता पर मर मिट जाता हूँ, मैं तो अपनी कविता पर मर मिट जाता हूँ, जहाँ कई लोग मिले उन्हें भी मरवाता हूँ जहाँ कई लोग मिले उन्हें भी मरवाता हूँ। कभी कभी थकता नहीं लोग थक जाते हैं, कभी कभी थकता नहीं लोग थक जाते हैं, कवियों को सुनते सुनते पंडाल में सो जाते हैं कवियों को सुनते सुनते पंडाल में सो जाते हैं। मेरी आठ दस कविता न सुन पाओगे, जो खड़ा हुआ था जिसने सवाल किया था उसके लिए है ये मेरी आठ दस कविता न सुन पाओगे, मेरी आठ दस कविता न सुन पाओगे, आने वाले कवियों को कैसे झेल पाओगे आने वाले कवियों को कैसे झेल पाओगे, इसलिए सिर्फ मेरी दो चार सुनाता हूँ, इसलिए सिर्फ मेरी दो चार सुनाता हूँ, और मुझे झेलने के लिए धन्यवाद देता हूँ मुझे झेलने के लिए धन्यवाद देता हूँ मुझे झेलने के लिए।